Welcome back to my channel with a new interesting video. As I said, hey guys, आप पीछे देख सकते हो इजल के ऊपर शू का एक पेंटिंग बनाया हुआ है जो मैंने बनाया है. एक्चुअली मैं बहुत सारे शूज के रिव्यूज करते करते आई वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम कि कुछ ऐसे पेंटिंग बनाए जाए शूज के लिए. सो मैंने ये वाला जो पेंटिंग बनाया है इसमें 2% ऑफ वर्क इज रिमेनिंग. मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी कि कैसे पेंटिंग दिख रही है क्लोजली. ओके, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ चुके हो, जैसे मैं आज एक ब्रांडेड ड्रेस के रिव्यूज के बारे में वीडियो बना रही हूँ. जो ब्रांड है टोक्यो टॉकीज, इट्स रियली वेरी सुपर्ब एंड क्वालिटी वाइज इट्स अ फैबुलस ब्रांड. व्हाट इज माय एक्सपीरियंस, इट्स 100% आई एम सेटिस्फाइड व्हाट आई हैव परचेस्ड फ्रॉम टोक्यो टॉकीज. बिफोर सम डेज मैंने मिंत्रा से और फ्लिपकार्ट से टोक्यो टॉकीज के ड्रेस परचेस किए हैं जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगी. सो बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे मुझे ये ड्रेसेस मिले हैं और उसमें से एक जो ड्रेस है बहुत ही सुपर एंड ऑसम है और बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे मुझे मिला है. यू कांट इवन इमेजिन, इट्स रियल प्राइस इज आई थिंक 1600 to 1700 एंड आई गॉट इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट. ओनली आई पेड 299 rupees. सो कीप वॉचिंग टिल द एंड ड्रेस देखने के लिए आप एंड तक की वीडियो देखें. गाइस, अगर आप ड्रेसेस के लिए कोई नया ब्रांड ट्राई करना चाहते हो तो आप टोक्यो टॉकीज को ट्राई कर सकते हो. तो आज का ये जो ड्रेसेस का मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो ब्लैक लवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम, देखते हैं ड्रेसेस कैसे हैं. ओके, और उसका मटेरियल है वो कैसा है और इज इट कंफर्टेबल और नॉट. ओके, सो फर्स्ट ड्रेस है जो टोक्यो टॉकीज का है. ओके, ब्लैक टोन में है, पूरा फ्लोरल प्रिंटेड डिज़ाइन है और दिखने में बहुत ही रिच लुक देता है. पहनने के बाद में बहुत ही सुपर ऑसम लुक देगा. नेक के ऊपर बहुत ही अच्छा सा एक पैटर्न दिया है, बटन्स है, लॉन्ग स्लीव्स है, आपको एंड में इलास्टिक भी दिया हुआ है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा ऐसा लुक देता है पहनने के बाद में. यहाँ पे आपको एक कमर के ऊपर टाइट करने के लिए अंदर से उन्होंने एक पैटर्न दिया है जो बहुत ही अच्छा लगता है. ओके, मटेरियल पॉलिस्टर है. ओके, अंदर से बहुत ही अच्छा क्वालिटी का अस्तर भी लगाया हुआ है ब्लैक कलर का. ओके, लाइक दिस, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही क्वालिटी वाइज देखे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है और डिस्काउंट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है. सो आप इसको ट्राई कर सकते हो. पहनने के बाद में जो लुक दिखता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी. ओके, पर इसका एक ड्रॉबैक है, एक तो ये लॉन्ग स्लीव्स है
अगर आपको लॉन्ग स्लीव्स पहनना पसंद है तो आप लॉन्ग स्लीव्स यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको कट करके आप स्मॉल भी कर सकते हो, स्लीव लेस बना सकते हो. सो इट्स गुड वन. बट पॉलिस्टर होने की वजह से आप इसको समर में नहीं पहन सकते हो. ओके, विंटर के लिए बहुत अच्छा है, आप रेनी सीजन में भी उसको पहन सकते हो, विंटर में पहन सकते हो, बट फॉर द समर इट्स नॉट गुड. सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट वन. जो मैंने ड्रेस मंगवाया है उसमें से एक है, इसका जो प्रिंट है मुझे बहुत ही पसंद आया था. ये बर्ड का जो प्रिंट है, फ्लोरल और बर्ड, बहुत ही प्यारा दिखता है. ब्लैक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उठ के दिख रहा है ये डिज़ाइन. ओके, फुल लुक आप देख सकते हो बाद में. ओके, इसका भी मटेरियल सेम है, पॉलिस्टर है, लॉन्ग स्लीव्स है. ओके, और नेक के बैक साइड पे एक छोटा सा बटन दिया है, क्योंकि आगे से जो नेक है पूरा क्लोज टाइप का नेक है, बट पहनने के बाद में बहुत ही अच्छा लुक देता है. स्लीव्स भी 3/4 स्लीव्स है, काफ़ी लॉन्ग है. अगर आपकी हाइट लॉन्ग है तो भी आप अच्छे से इसको कैरी कर सकते हो, अगर शॉर्ट है तो आप इसको एडजस्ट करके, जैसे मेरी हाइट शॉर्ट है तो मैं इसको जिस तरीके से पहन रही हूँ वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ. ओके, और इसमें भी सेम ऐसे ही कुछ कमर के ऊपर पैटर्न दिया है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, इसको टाइट कर सकते हो एज अकॉर्डिंगली योर चॉइस. ओके, बाकी अदरवाइज मुझे इसका जो प्रिंट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, उसके अंदर भी एक अच्छा खासा अस्तर लगाया हुआ है. सेम क्वालिटी इज़ वेरी परफेक्ट एंड बहुत ही अच्छी है, फैब्रिक क्वालिटी इज़ वेरी गुड एंड रियली आई एम वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम द टोक्यो टॉकीज ड्रेस. बहुत ही रिच पैटर्न है ये, बहुत ही अच्छा दिखता है पहनने के बाद में. ओके, इसका भी सेम वही ड्रॉबैक है कि आप इसको समर में नहीं पहन सकते हो. सो गाइस, देखते हैं थर्ड वन कौन सा ड्रेस है. ओके, बहुत ही अच्छा है पैटर्न और इवन इट्स डिज़ाइन आल्सो बहुत 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 ज़्यादा प्यारा है, मुझे बहुत ही पसंद है. रैप ड्रेस टाइप है, इसको आप रैप ड्रेस बोल सकते हो. ओके, पैटर्न और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत बहुत कूल लुक देता है, रिच इफेक्ट देता है. और सेम मटेरियल इज़ पॉलिस्टर, अंदर से भी इसको बहुत ही अच्छा मटेरियल अस्तर लगाया हुआ है, नॉन ट्रांसपेरेंट है. ये तीनों के तीनों ड्रेस जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है. और इसका भी लुक आप देख सकते हो, बेल्ट दिया हुआ है टाइट करने के लिए. ओके, और देखते हैं पहनने के बाद में कैसे दिखता है. लास्ट वन जो टोक्यो टॉकीज का ड्रेस है, जो मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है, जो बहुत ही मेरा फेवरेट है और इसको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे मैंने परचेस किया है. सो लेट्स सी. ओके, विच वन इज दिस? इट्स ऑसम, इट्स लाइक अ शर्ट ड्रेस है. बहुत ही अच्छा प्रिंटेड क्लॉथ है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है. ओके, कॉलर है, इसको बटन्स दिए हैं, पूरे नीचे तक के बटन्स दिए हैं, पर बटन जो है फर्स्ट और सेकंड बटन ही ओपन होता है और बाकी पूरा नीचे तक के स्टिच्ड है. सो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है. नीचे जो सेकंड कलर कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज एंड वाइट एंड ब्लैक, बहुत ही प्यारा लुक है, बहुत ही अच्छा प्रिंट है. इसका एक्चुअल प्राइस ना मैं बताऊँ आपको, तो इसका प्राइस है 1599 rupees, एज यू कैन सी. बट मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑफ़र के टाइम पे ख़रीदा था और सिर्फ मैंने इसके लिए 299 rupees पे किया है. या रियली इट इज़ माई सच अ रियली वेरी वेरी वेरी
माई फेवरेट वन एंड बहुत ही कम प्राइस में मैंने इसको परचेस किया है, सो इट्स रियली वेरी क्लोज टू माई हार्ट. सो गाइस, ये सारे ड्रेसेस जो मैंने बाय किए हैं मिंत्रा और फ्लिपकार्ट से, तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उसको परचेस करना चाहते हो या विजिट करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो उसका करंट प्राइस डिस्काउंट. गाइस, जैसे कि मैंने बताया था आपको, एंडिंग में मैं आपको मेरी पेंटिंग दिखाऊंगी. सो लेट्स सी माय न्यू पेंटिंग ऑफ शूज. ओके,
अगर आपको पता है मेरे प्रीवियस वीडियो आपने देखे हैं तो आपको पता होगा ये शूज़ का मैंने रिव्यू करा है। ओके गेस कर सकते हो कौन सा ब्रांड है ये, और इसका रिव्यू रिमेनिंग है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका रिव्यू करूँगी। ओके सो दिस इज द रोडस्टर, इट्स माई ड्रीम शूज एज आई सेड इन दैट वीडियो। ओके सो मैंने जो पेंटिंग बनाया है ऑयल ऑन कैनवास, कैनवास बोर्ड है उसके ऊपर मैंने ऑयल पेंटिंग ऑयल कलर से ये पेंट किया है। ओके सो 2% ऑफ रिमेनिंग वर्क ये है कि इसमें जो फर है उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग बाकी है, और इसमें मेटेलिक शूज़ है तो थोड़ा सा हाईलाइटिंग बाकी है। दैट्स वाई जस्ट बिकॉज कि कैनवास जो जिसपे ऑयल कलर से हम वर्क करते हैं तो ऑयल कलर प्रॉपरली ड्राई होने के बाद में उस पर जो डिटेलिंग वर्क है छोटा छोटा वो हम करते हैं, क्योंकि वेट जब रहता है तो उसके ऊपर नहीं आता है वर्क। ओके डिटेलिंग वर्क, सो ये रिमेनिंग है इतना पार्ट। सो अभी ये जो पेंटिंग है प्रॉपर ड्राई हो चुका है और अभी मैं इस पर फाइनल टचअप कर सकती हूँ। गाइस ये वाला जो शूज़ है मैंने उसका रिव्यू किया है, अगर आप ये शूज़ देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ताकि आप रोडस्टर के मैंने और भी शूज़ डाले हुए हैं, फुटवेयर्स डाले हुए वो आप चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ब्रांड है रोडस्टर, और बहुत वेरिएशंस उसमें आपको मिल जाएंगे, बहुत टाइप्स के स्नीकर्स आर अवेलेबल, फ्लैट्स हील्स आर अवेलेबल। बहुत ही अच्छी एक ब्रांड है, आई एम सो हैप्पी विद दिस ब्रांड। और ये जो है कॉर्सिका का एक नया ब्रांड जो मैंने ट्राई किया है, पर इसका रिव्यू मैंने नहीं किया है अभी तक के, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ही जल्द इसका भी रिव्यू करने वाली हूँ। मेटालिक है, बहुत ही अच्छा है और पैटर्न भी बहुत अच्छा है, तो आप होप नेक्स्ट वीडियो भी मेरा ऐसे ही एंजॉय करोगे। ओके और ये शूज़ का मैं आपको ओरिजिनल पीस दिखा सकती हूँ, दिस इज़ द वन वट इज़ माई ड्रीम शूज़। ओके मैंने इसको कॉपी किया है इधर। ओके सो ये जो फर का जो टेक्सचर है वो इसमें रिमेनिंग है, सो कंप्लीट होने के बाद में वो आप देख सकते हो एज इट इज़ जो मैंने ट्राई किया है। ओके इसके इसके साथ में मैंने ये वाला जो शूज़ है ऐसे रख के उसको बनाया है। ओके सो ये है कॉर्सिका का एक बहुत ही सुपर ऑसम है ये शूज़ जो मेरा ड्रीम शूज़ है। मैं पूरा तो डिटेलिंग में नहीं बताऊंगी क्योंकि नहीं तो आप मेरा न्यू वीडियो नहीं देखोगे कॉर्सिका के बारे में। ओके सो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो भी आप एंजॉय करें। गाइस वैसे आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, और भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को देखें, शेयर करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इन फ्यूचर ऐसे ही बहुत सारे पेंटिंग के वीडियो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, मेकअप के भी वीडियोस मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। एज आई एम सिडेस्को इन आई एम सिडेस्को सर्टिफाइड इन मेकअप, सो मुझे इंटरेस्ट है मेकअप के वीडियोस बनाने में। सो आई एम वेटिंग फॉर मोर सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।